अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जमात है पंजम, मजमून है उर्दू, सबक नंबर 4, ट्रक किसने निकाला, सफ़ा नंबर 11। आइए प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे बुलंद ख्वानी। एक गांव में एक पुल के ऊपर से रेल की पटरी गुजरती थी। उस पुल के नीचे से रोज़ाना कारें, मोटरें और बसें भी गुजरती थीं। उस पुल के एक जानिब गांव की आबादी और दूसरी जानिब स्कूल, हस्पताल और बाज़ार था। इसी वजह से दिन भर यहां लोगों की आमदोरफ्त मतलब आना जाना जारी रहती थी। एक दिन सुबह के वक्त सामान से लदा एक ट्रक पुल के नीचे फंस गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे ट्रक का ऊपर वाला हिस्सा पुल की छत से चिपक कर रह गया हो। ट्रक इतना बड़ा था कि उसके रुकने की वजह से पीछे आने वाली गाड़ियों को भी रुकना पड़ा। थोड़ी ही देर में बहुत सारी गाड़ियां जमा हो गई। गाड़ियों वाले हॉर्न बजा रहे थे, जिसकी वजह से पूरे इलाके में हंगामा सा बरपा हो गया। ट्रक के ड्राइवर ने फंसे ट्रक को निकालने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। आने जाने का रास्ता बंद हो गया। लोग बेचैन होकर अपनी गाड़ी से बाहर निकल आए। कोई ट्रक ड्राइवर को बुरा भला कहने लगा जिसने इतना ऊंचा ट्रक पुल के नीचे ला फंसाया, और कोई मुतालिका जिम्मेदारान को बुलाने की बातें करने लगा ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। ट्रैफिक के इज्तिहाम में एक स्कूल में भी फंसी हुई थी। बच्चों को स्कूल से देर हो रही थी, लेकिन मसला अब भी जू का तू था, मतलब ऐसा का ऐसा ही था। कुछ लोगों ने तजवीज़ पेश की कि पुल का ऊपर वाला हिस्सा उधेड़ कर सामान बाहर निकाल लिया जाए, फिर ट्रक निकाल कर पुल को दोबारा से बना दिया जाए। इसी दौरान में तामीरात के माहिर इंजीनियर, रेलवे अफसरान और ट्रैफिक पुलिस के अहलकार भी वहां आ पहुंचे। रेलवे के अफसरों ने अपनी तरफ से ये तजवीज़ पेश की कि ट्रक का ऊपर वाला हिस्सा तोड़ा जाए और ट्रक को बाहर निकाला जाए। किसी भी तजवीज़ पर इत्तेफाक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कोई भी अपना नुकसान उठाने के लिए तैयार ना था। इसी बहस में खासा वक्त गुजर गया। गाड़ियों के हॉर्न मज़ीद ऊंचे हो गए और लोगों की परेशानियां बढ़ती चली गईं। लोग कभी पुल को देखते और कभी ट्रक ड्राइवर को, जिसकी वजह से ये मुसीबत आई थी। लेकिन इस मसले का कोई हल किसी को समझ नहीं आ रहा था। आइए मेरे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सबक में दिए गए मुश्किल अल्फाज। नंबर 1 पर लफ्ज़ है हंगामा, हंगामा। नंबर 2 पर लफ्ज़ है लदा, लदा। नंबर 3 पर लफ्ज़ है तजवीज़, तजवीज़। हंगामा मतलब शोर शराबा, ठीक है। लदा मतलब भरा हुआ बहुत ज़्यादा, जैसे कि ट्रक सबक में जो था वो क्या था, लदा हुआ था, मतलब भरा हुआ था। तजवीज़ मतलब राय देना, ठीक है। उम्मीद है आपने सबक ट्रक किसने निकाला और उनके अल्फाज मायने को अच्छी तरह समझ लिया होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।